रोहिणी आचार्य ने कहा कि दिन प्रतिदिन राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, ये लोग महिला विरोधी हैं। जब देखिए इनका मुंह खुल गया है, अब जनता जवाब देगी, हमारी महिलाएं जवाब देंगी इन लोगों को। साथ ही उन्होंने बीजेपी को तेजस्वी से सीख लेने की नसीहत भी दी है। आगे सुनिए और क्या कुछ कही रोहिणी आचार्य। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी के नेता 17 महीने में 5 लाख रोजगार बांट दिए, पिछले बार जो घोषणा किए थे उस पे, तो इनको तो शर्म आना चाहिए। ये बताए ना कि क्षेत्र में भी इन्होंने क्या किया है, जो घोषणा जो किए हैं कुछ मिला है? मेरे सारण में अभी तक तो मढौरा में वो चीनी मिल का अभी तक आया नहीं है, जितना भी 15-15 लाख रोजगार 15-15 लाख रुपया नहीं आया। रोजगार मुहैया कराने वाले से 2 करोड़ हर साल 2 करोड़, तो क्या हुआ? पहले तो उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको सीखना चाहिए कि कैसे, तेजस्वी से सीखना चाहिए कि कैसे रोजगार सृजन करते हैं और कैसे रोजगार। वही तो हम बोले कि दिन पे दिन राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, ये लोग महिला विरोधी हैं। जब देखिए तब इनका मुँह खुल गया है, अब ये जनता जवाब देगी, महिलाएँ हमारी बहनें जवाब देगी इन लोग को। अब प्रधानमंत्री जी बोले तो अच्छा ही बोल रहे होंगे, वो तो जनता ना डिसाइड करेगी, वो तो हमारे बड़े हैं, उनसे तो आशीर्वाद हमको मिलेगा, आशीर्वाद देंगे ना बहन बेटियों को, तो आशीर्वाद ही दे रहे होंगे। वही तो बोला जा रहा, मुद्दा क्या है? परिवार है, मुद्दा क्या है? मुद्दा घर में परिवार के, किसी के परिवार, किसी बहन बेटी को गाली देने से परिवार, देश बढ़ जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाता है मेरे परिवार को, मेरी बहन बेटियों को, चाहे मुझे गाली दे करके, तो आप डेली भर भर झोली दीजिए हमको गाली, लेकिन देश से बेरोजगारी मिटाइए, भ्रष्टाचार मिटाइए, बलात्कारियों को बाहर कीजिए। शुरू से तो ये लोग वही करते आए हैं, हमारे लिए सबको, सब भाई बराबर है, सबको इंसान है, सबके रगों में वही खून दौड़ रहा है। इन्होंने आज़ादी में हमारी लड़ाई लड़ी है और ये लोग क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे? ये जो खुद अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज वो बहुत बड़े देशभक्त हो गए हैं। अब वो प्रमाण देंगे कि कौन ज़्यादा देशभक्त है और कौन बिहारी है और कौन भारतीय है और कौन क्या है।